भागती हुई ज़िंदगी, बदलती हुई लाइफस्टाइल, रोटी कपड़ा मकान जुटाने की जद्दोजहद, काम का इतना ज़्यादा स्ट्रेस होना, रात में नींद नहीं आना, फिज़िकल स्ट्रेस होना, मेंटल स्ट्रेस होना, इस वजह से आजकल पुरुषों में बहुत ही ज़्यादा तनाव देखने के लिए मिल रहा है। और इस तनाव को कम करने के लिए योग का रास्ता आप जितनी जल्दी लाइफ में अपना लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन काम आप कर सकते हैं। अब इन फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस के कारण बाकी सारी हेल्थ कंडीशन के साथ जननांगों से रिलेटेड समस्याएँ जैसे कि प्रोस्टेट का एनलार्ज हो जाना, प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्याएं, इनफर्टिलिटी की समस्याएं, टेस्टोस्टेरॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाना जिससे प्रजनन क्षमता में इसका असर पड़ता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, शीघ्र पतन की समस्या और भी बहुत सी समस्याएं जिससे पुरुषों के अंदर बड़ा ही तनाव होता है। और ये तनाव जो है वो किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी से बोल नहीं सकते, लेकिन आप एक काम तो कर सकते हैं ना कि आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। और योग का अभ्यास जितनी जल्दी उम्र में करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। यह आपको शारीरिक मजबूती तो देगा, मानसिक मजबूती भी देगा और शारीरिक तनाव को कम करके मानसिक तनाव को भी कम करेगा, जिससे आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन सभी समस्याओं को देखते हुए मैंने बहुत ब्यूटीफुली 5 योगासनों का सीक्वेंस इस तरीके से डिज़ाइन किया है जिसको कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएगा। और नीचे घंटी का निशान दिख रहा है ना, इस घंटी के निशान को अगर आप दबा लेते हैं तो मेरी कोई भी वीडियो जब भी मैं फ्यूचर में अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं किया करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए अब करते हैं वो ज़बरदस्त 5 योगासनों का अभ्यास जिसकी मदद से हमें इन परेशानियों से ओवरकम होने में मदद मिलेगी। सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो हम अपने हिप जॉइंट्स के आसपास जो ब्लड फ्लो है इसको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो स्ट्रेस होता है वो हमारे कमर के आसपास, दिन भर एक जगह पर बैठे रहने से, टाइट जीन्स पहनने से, टाइट पैंट पहनने से, कमर के आसपास टाइट बेल्ट लगाने से, ये जो समस्याएं हैं, ये जो एरिया हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा कड़ापन हो जाता है। तो इस अभ्यास को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पैर के दोनों पंजों को, तलवों को इस तरीके से एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ना है, ऐसे, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप लग रहा है ना, तो अब अपनी स्पाइन को आप सीधा कीजिएगा। ऐसा सीधा करने के बाद अपने दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे फंसाइएगा और फिर उसके बाद एक टोपी जैसा बन गया, कवर जैसा बन गया, इससे अपने दोनों पैर के जो उंगलियां हैं, अंगूठा है, इसको आपने लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद फिर आप अपने घुटनों को जितना हो सके फ्लोर की तरफ पुश कीजिएगा, आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो। देन व्हाट यू डू, मूव योर नीज अप एंड डाउन लाइक दिस, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, नीचे जाने दें, पूरा ढीला छोड़ें, ऐसे सांस लें, सांस छोड़ें, ऐसे सांस लें, सांस छोड़ें, धीरे धीरे बहुत कंट्रोल के साथ जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आपके जेनिटल्स के आसपास ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा, वहाँ की मसल्स पर ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने से वहाँ की अकड़न जो है वो कम होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से बहुत कंट्रोल के साथ, ऐसा ऐसा ऐसा। और अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास करना चाहते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस तरीके से। और ध्यान रखिएगा ये जो रेंज ऑफ मोशन है पूरी हो, इस तरीके से, ऐसा ऐसा कंट्रोल के साथ। जब आप ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो रेंज ऑफ मोशन उतनी नहीं होती है। और इसको पूरा उठाएं, ऐसे ड्रॉप करें, उठाएँ ड्रॉप करें, उठाएँ ड्रॉप करें, उठाएँ ड्रॉप करें, ऐसा ऐसा ऐसा। जबकि कुछ दिनों का ऐसा अभ्यास हो जाए तो फिर ऐसे घुटनों को जोड़िए। हो सकता है कुछ कुछ पुरुषों के पेट बहुत ज़्यादा बड़े हों तो कोई बात नहीं, जितना आप पैर पर करीब आ सकें उतना करीब लाएं और फिर इसको नीचे ऐसे पुश करें, ऐसे करीब लाएं, ऐसा, और फिर पुश करें, ऐसे ऐसे। जॉइन देम टुगेदर, पुश योर नी डाउन, जॉइन योर नीज टुगेदर, पुश योर नी डाउन, ऐसा ऐसा। ज़रूरी नहीं है कि आपका पैर जो है जुड़े तभी ये अभ्यास हो पाएगा। पेट अगर ज़्यादा बड़ा है या स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ तक भी आए तो भी चलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये अभ्यास कितनी देर करना है, 1 मिनट कर लीजिएगा, इतना सफिशियंट। अगर 1 मिनट का टाइम ना हो तो 30 सेकेंड कर लीजिए, ऐसा। और फिर उसके बाद जब अभ्यास कर लें तो दोनों हाथों से घुटनों को नीचे की तरफ ऐसे पुश करेंगे, ऐसा और सामने देखेंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर उसके बाद दोनों घुटनों को जोड़ें। अगर पूरा नहीं जुड़ सकता है तो जितना जुड़े और ऐसे हग कर लें, सो दैट पैरों के पास जो टेंशन हुई हो उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। अब जब आप इतना अभ्यास कर लेंगे तो अब ये भी देख लीजिए कि बहुत से लोग गलती क्या करते हैं। गलती क्या करते हैं कि पैरों को जोड़ने के बाद वो बहुत मशक्क़त करते हैं कि किसी भी तरीके से पैर और नीचे चला जाए। लेकिन ये बताइए कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी एक दिन में डेवलप होगी? नहीं होगी, क्योंकि इतने सालों से आपके बॉडी के इस हिस्से पर, यहाँ पर आपने कोई काम नहीं किया, तो कड़ापन तो होगा ही। तो आप इसको बहुत नीचे पुश करने की कोशिश ना करें। अगर पैर इतना भी खुल रहा है तो इतने में भी काम हो सकता है। दूसरी गलती कि लोग रीढ़ की हड्डी ऐसे झुका लेंगे और झुके झुके ऐसे अभ्यास करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर तो ऐसे ही बैठते हैं ना, आप ऑफिस में हो, कंप्यूटर में हो, टीवी देख रहे हो, ऐसे झुकने की आदत हो जाती है। तो रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा करना है और पैरों के साथ बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। अब इस अभ्यास को करने के बाद पैरों को सामने स्ट्रेच करें, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें और थोड़ा रेस्ट करें। कभी भी जब आप योग आसनों का अभ्यास करें तो थोड़ा आराम से अभ्यास करें, हर एक प्रैक्टिस को करने के बाद। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा कंडक्ट की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह सुबह 6 से 7, 7 से 8 जूम के माध्यम से 1 घंटे की क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। और इन योगा क्लासेस में बहुत से आपको आसन सिखाए जाते हैं, प्राणायाम, ध्यान कैसे करते हैं, ये तो हम हर रोज़ करते हैं, लेकिन अलग अलग दिन अलग अलग आसनों का अभ्यास करने से आपको ओवरऑल स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। शरीर को कैसे डिटॉक्स करेंगे ये भी सिखाएंगे, कैसे आपको शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स करें ये भी सिखाएंगे। सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये क्लासेस कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति। अगर आपने पहले कभी भी योग का अभ्यास नहीं किया, ये क्लासेस आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो ये क्लासेस ज्वाइन करने से आपकी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को और अच्छी तरीके से समझने का आपको मौका मिलेगा। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है ना, फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में मेरे खुद के बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि डायबिटीज़, थायराइड, मानसिक तनाव होना, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट पीरियड होना, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, मानसिक तनाव होना, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन की ऐसी समस्या है जिससे ओवरकम हुए हैं। उनकी समस्याओं से उनको उभरने का मौका मिला है और साथ ही उनके शरीर में गजब की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ डेवलप हुई है। अब इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को बहुत बार ऐसा होता है कि किसी कारण से आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो मैंने कुछ रिकॉर्डेड सेशंस बनाए हैं, कोर्स बनाए हैं, जिनको कि आप परचेस करते हैं तो आपको इमीडिएटली उनका एक्सेस मिल जाता है और आप इन वीडियोज़ को, जो कि 1 घंटे की होती है, घर पर ही अपने कम्फर्ट जोन में प्ले करके कितनी भी बार आप अभ्यास कर सकते हैं। इन 1 घंटे में भी हम ब्यूटीफुली आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करते हैं और कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है, जो कि कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जूम क्लासेस और कोर्सेज़ को किस तरीके से परचेस कर सकते हैं या अन्य जानकारी, तो मेरी वेबसाइट ज़रूर विजिट कीजिएगा, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर मैंने जो ये नंबर शेयर किया हुआ है ना, इस नंबर पर भी अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। जाइए, चेकआउट कीजिए। अब हमने ये अभ्यास करके अपने पूरे हिप जॉइंट्स पर काम कर लिए। अब मैं अगला अभ्यास बता रही हूँ ना, इसका इफेक्ट आपके गर्दन, आपके कंधे, आपकी रीढ़ की हड्डी और पूरे जेनाइटल्स, एब्डोमिनल मसल्स, सब पर इसका बहुत गजब का इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। इसको कहते हैं व्याघ्र आसन। एक वेरिएशन है, तो किस तरीके से करेंगे ऐसे देखें। ऐसे आप इसको कहते हैं वज्रासन। वज्रासन या इंग्लिश में थंडरबोल्ट पोजीशन कहते हैं। हाथ को आप आगे की तरफ ऐसे स्ट्रेच करें। अगर आपको घुटने में दर्द हो तो घुटने के नीचे एक तकिया रख लीजिएगा, ऐसे इस तरीके से स्ट्रेच किया। बहुत आगे की तरफ ऐसे हिप मत उठाइएगा, हिप को नीचे रहने दीजिएगा, हाथ को बस आप आगे स्ट्रेच कीजिए जितना हो सके। होने के बाद अब दोनों हथेलियों को पर बैलेंस करें और दोनों घुटनों के बीच में अपनी कमर जितना फासला कर दें, इस तरीके से। आसान है ना? जब यहाँ पर आ जाए तो अपनी बॉडी का वेट अपने लेफ्ट घुटने और दोनों हाथों पर शिफ्ट करने के बाद राइट पैर को ऐसे उठाएं। सांस लेते हुए, आपने टाइगर तो देखा है ना, फोटो देखी हो, जू में देखा हो, इस तरीके से अपनी पूँछ को उठाता है वो। सांस लिया, छत की तरफ देख रहे हैं और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि की तरफ अपने देखें और घुटने को अपने माथे की तरफ पुश करें। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। तो इसमें आप देख रहे हैं आपके जिनाइटल्स के आसपास एक बड़ा ही बेहतरीन थाई से दबाव पड़ रहा है, पेट की अच्छी मालिश हो रही है। तो जिनको इनडाइजेशन का भी प्रॉब्लम है वो भी छू मंतर होगा। ऐसा 10 बार करेंगे राइट साइड और 10 बार करेंगे लेफ्ट साइड। सांस लेते हुए ऊपर देखना है ऐसा, और सांस छोड़ते हुए नीचे देखना है। पेट को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा और सांस छोड़ें ऐसा, सांस लें और सांस को छोड़ दें ऐसा, बहुत कंट्रोल के साथ। फिर एक पैर पर अभ्यास हो जाए, दूसरे पर सांस लें, सांस छोड़ें। ऐसा। तो जिनको हार्ट की कंडीशन और लंग्स भी बहुत ज़्यादा सिकुड़े हुए हों, सांस लेने में समस्या हो, उनको भी इस अभ्यास से बहुत लाभ मिलने वाला है। पूरी रीढ़ की हड्डी लचीली होगी। दिन भर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं ना, तो उसकी वजह से गर्दन और कंधों में भी दर्द हो जाता है। तो ये अभ्यास करने के बाद आराम से अपने योगा मैट पर रेस्ट करें। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पेट बड़ा होने के कारण लोग इस तरीके से रेस्ट नहीं कर पाते हैं, घबराहट होगी, तो पैरों को अलग कर लें इस तरीके से, दोनों को अलग करें, स्प्लिट करें, ताकि थाई के बीच में आपका पेट आ जाए। और दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें और हेड डाउन कर लें और रेस्ट करें। इस तरीके से शशांक आसन में रेस्ट करने के बाद आपको क्या होगा कि मन बड़ा शांत होगा, आप रिलैक्स महसूस करेंगे, ब्लड फ्लो हेड रीजन की तरफ बढ़ेगा। इस आसन का अभ्यास करने के बाद गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं कि बहुत फास्ट प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ऐसे कहीं भी किसी भी बॉडी पार्ट का कोई भी इंगेजमेंट नहीं होगा और ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आप सिर्फ अपनी स्पाइनल कॉर्ड को हर्ट करेंगे। जो हम अगला अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है गौमुख आसन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं काऊ फेस पोज। ये आसन का अभ्यास आपको बहुत ही ज़्यादा मसाज देगा आपके जिनाइटल्स के आसपास। जब आप इन आसनों का अभ्यास करते हैं तो आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड थाई से आपके टेस्टिकल्स के आसपास, अंडकोशों के आसपास, पूरे जिनाइटल के आसपास एक हल्का हल्का दबाव देखने के लिए मिलेगा और थाइस के आसपास बड़ा बेहतरीन खिंचाव देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे करेंगे गौमुख आसन ये देखिए। अब ऐसे क्रॉस लेग पोजीशन पे बैठे हैं, पालती मार के बैठे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट घुटने को वहीं पर रहने देंगे और लेफ्ट एड़ी को राइट हिप के पास ऐसे लेके गए। ऊपर बैठना नहीं है, ऐसे बैठ मत जाइएगा, बैठना नहीं है, आराम से बस ऐसे मोड़ लेना है ऐसा। तो लेफ्ट एड़ी राइट हिप के पास गई और फिर उसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे मोड़ें, राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर ऐसा, इस तरीके से ऐसा। तो एक गाय का जैसा चेहरा होता है ना, वैसा आपके पैर की ऐसी पोजीशन हो गई। तो आप इतना जब करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके टेस्टिकल्स के आसपास हल्का हल्का दबाव पड़ रहा है। इससे प्रोस्टेट में भी बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत से लोगों के टेस्टिकल्स के आसपास भी सूजन हो जाती है, उसमें भी ये परेशानी, जो अंडकोशों से रिलेटेड समस्या है, इसमें ये आसन बहुत मददगार है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट घुटने को अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं, राइट घुटने को बाहर की तरफ पुल कर रहे हैं, सो दैट ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। लेकिन अगर कड़ापन ज़्यादा है और ये इस तरीके से नहीं आ सकते एक दूसरे के पास, कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना। अब ये हो गया। अब अपना राइट घुटना ऊपर है तो राइट हाथ को छत की तरफ खींचने के बाद ऐसे मोड़ लिया, तो राइट एल्बो छत की तरफ है, लेफ्ट एल्बो को पीछे से घुमाते हुए अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ लॉक करेंगे। ठीक है, लॉक करने के लिए ज़रा मैं आपको पीछे से दिखलाती हूँ ऐसा। ऐसा अब बहुत बार ऐसा होगा कि लॉक करना बड़ी मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि कंधे इतने ज़्यादा कड़ापन है कंधों के आसपास कि ये लॉक नहीं हो पाएगा। तो आपके हाथ जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक। अब देखिए, नीचे तो आपके जिनाइटल्स पर असर पड़ रहा है, लेकिन ऊपर देखिए ब्रीदिंग कितनी अच्छी हो रही है। इससे आपका हार्ट वेंटिलेट हो रहा है, लंग्स वेंटिलेट हो रहे हैं, शोल्डर बहुत अच्छी तरीके से ओपन हो रहे हैं, तो कंधों की स्टिफनेस जो है वो जाएगी। इस पॉस्चर को कम से कम एक साइड 10 से 15 सेकेंड होल्ड करें या 30 सेकेंड होल्ड कर लें अगर ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, और फिर इसी अभ्यास को दूसरी तरफ रिपीट करेंगे ऐसा। एक दूसरे घुटने को एक दूसरे के ऊपर रखा, अब लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हाथ को ऊपर खींचा और फिर उसके बाद दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में लेके गए। थोड़ा साइड से भी देख लीजिए, ऐसा ऐसा और नीचे से ऐसा। ना पहुंच पाए हाथ एक दूसरे के पास तो जहाँ तक पहुंच पाए वहाँ तक और होल्ड करेंगे। ऐसे ब्रीथ करते रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन। गलती क्या करते हैं इसमें अमूमन बहुत से लोग कि पैरों का पोजीशन जो है वो सही नहीं रखते हैं। कई बार या तो ऊपर बैठ जाएंगे या बाहर रखेंगे, तो इसमें पैरों की पोजीशन एक दूसरे के ऊपर हो। और जब आप पीछे से हाथ पकड़ लेंगे, बहुत बार उनके ना स्पाइन ऐसे झुकी हुई होती है, तो स्पाइन झुकी ना हो बल्कि सीधी हो, जिससे कि पूरा चेस्ट रीजन अच्छी तरीके से ओपन हो। अब गौमुख आसन का अभ्यास करने के बाद पैरों को स्ट्रेच करेंगे, रेस्ट करेंगे बिफोर वी मूव टू द प्रैक्टिस ऑफ नेक्स्ट आसन। अब हम अगले आसन के अभ्यास की तरफ बढ़े जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसको कहते हैं रिवर्स टेबल टॉप इंग्लिश में, और संस्कृत में इसको कहते हैं अर्ध पूर्वोत्तानासन। ठीक है, कैसे करेंगे अर्ध पूर्वोत्तानासन का अभ्यास? अपने दोनों पैरों को इस तरीके से आपने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद आपने एक पैर को घुटने से ऐसे मोड़ लिया, ऐसे इस तरीके से। आपकी कलाई बॉडी की तरफ है और आपकी उंगलियां बाहर की तरफ है, ऐसा इस तरीके से। हाँ, और अगर आप जानना चाहें कि हाथ कितनी दूर, बहुत बार लोग हाथ बहुत दूर रख लेते हैं, तो हाथ को बहुत दूर नहीं रखना, ऐसे मुट्ठी बनाना है, कमर के पास रखा, फिर एल्बो को मैट पर रखी और फिर उसके बाद जहाँ पर एल्बो आपकी पहुँची वहाँ पर आपने हथेली को रख लिया। फिर उसके बाद राइट पैर को घुटने से मोड़ा और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने हिप को उठाया। कैसे उठाया? उठाया 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 उठाया, गर्दन को ढीला छोड़ दिया, होल्ड किया। 5 4 3 2 1 एक्सेल करते हुए ड्रॉप कर दिया। सांस लेते हुए सांसों को रोके 1 2 3 4 5 और सांस को छोड़ दें। अगर सांसों को नहीं रोक सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। सांस लें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब एक साइड ये अभ्यास हो जाए तो दूसरी साइड ये अभ्यास कर लें। सांस लें, होल्ड करें 1 2 3 4 5 और फिर ड्रॉप कर दें। तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों की कलाइयाँ कमज़ोर हैं, बाजू कमज़ोर है, वो मजबूत होंगे, चेस्ट ओपन होगी और लोअर बैक भी बहुत अच्छी तरीके से इंगेज होगी। इसमें क्या करें कि जब आप अपनी हिप को लिफ्ट करें तो नाभि को अंदर की तरफ पुल करके रखें और होल्ड करें ऐसे और फिर रिलीज़ कर दें। अब अगर आपको इतना अभ्यास हो जाए एक एक पैर के साथ, तो दोनों पैरों को इस तरीके से घुटने से मोड़ें ऐसे और हाथों को वहीं पर रखें और फिर उसके बाद धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ते, मतलब दोनों पैरों के बीच में हिप जितना फासला रखते हुए, घुटनों से मोड़ते हुए, गर्दन को ढीली छोड़े, हिप को ऊपर की तरफ पुश करें और सांस छोड़ते हुए ड्रॉप कर दें। ऐसा सांस लें और सांस छोड़ दें, ऐसा एक बार और। सांस लें और सांस को छोड़ दें। और ये अभ्यास करने के बाद आप देखेंगे गजब की मजबूती आपके हाथों पर, बाजुओं पर आ गई है, लोअर बैक बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन हो गई है और पेट के आसपास भी बड़ी अच्छी मसाज आ गई है। अब हम अगले आसन के अभ्यास के लिए पेट के बल लेट जाएंगे। इस तरीके से पेट के बल लेटने के बाद आपको क्या करना है, अब हम अभ्यास कर रहे हैं ऊर्ध्वमुख श्वानासन या अपवर्ड फेसिंग डॉग की। तो अब इस अभ्यास में पैरों को अलग करेंगे, ऐसा इस तरीके से टो को बाहर करेंगे। अब दोनों हाथों को बॉडी के चेस्ट के साइड में रखेंगे, ऐसा हेड को ड्रॉप कर देंगे। पैरों के बीच में ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा फासला कर देते हैं, इतना मत कीजिएगा, कमर जितना फासला, ऐसा नॉर्मल। अब फिर दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखते हुए धीरे 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 उठेंगे उठेंगे उठेंगे, टो को हल्का सा टक करके आगे की तरफ पुश करेंगे और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऊर्ध्वमुख श्वानासन, ये भुजंगासन नहीं है, ऊर्ध्वमुख श्वानासन। और सांस छोड़ते हुए वापस से अपनी बॉडी को मैट पर ड्रॉप कर दिया। सांस लिया ऐसा, घुटना मैट पर नहीं है, पैर अलग है और सांस को छोड़ दिया। तो इससे देख रहे हैं आप पूरी स्पाइन कितनी अच्छी तरीके से आर्च है और चेस्ट ओपन हो रहा है। सांस लिया और सांस को छोड़ दिया। अब बहुत से लोगों के साथ ये दिक्कत होगी कि आप इस तरीके से पूरी एल्बो को ओपन करके ऊर्ध्वमुख श्वानासन का अभ्यास ना कर पाएं, तो सिंपल वाला अभ्यास कर लेते हैं, भुजंगासन। भुजंगासन में आप पैर को जोड़ के रखें, टो को बाहर रखें, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखें, सांस लें, रोके सांस को, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ दें, सांस लें, 1 2 3 4 5, सांस छोड़ दें। ऐसा अभ्यास 3 से 5 बार किया जा सकता है और ज़्यादा देर तक सांसों को रोक सकते हैं तो ज़्यादा देर तक सांसों को रोकें। एक गलती जो भुजंग आसन में अक्सर करते हैं लोग कि पैर को जोड़ के रखेंगे और पूरी एल्बो ऐसे सीधी कर देंगे। ऐसे मत कीजिएगा, इससे आपकी स्पाइन जो है उस पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो ऊर्ध्वमुख श्वानासन में पैर अलग, तब जाके आप स्पाइन सीधी कर, एल्बो सीधी करेंगे, स्पाइन को आर्च करेंगे। और भुजंगासन में एड़ी जुड़ी हुई, तब आप इस तरीके से उठाएंगे, पूरा नहीं उठाएंगे, एल्बो जुड़ी, एल्बो बेंड होगी। फिर उसके बाद इस अभ्यास को करने के बाद आप अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे, रेस्ट करेंगे शवासन में। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको एक एक आसन को किस तरीके से करना है वो बताया, सांसें कब लेनी है, कब छोड़नी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इतनी बारीकी से समझा दिया कि आप कभी भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। आप खुद भी कीजिएगा और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करना मत भूल जाइएगा, जिससे कि उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिले। अब वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो आई एम श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना किसी कारण से भूल गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जाने से पहले। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि आगे आने वाली वीडियोज़ कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। या कि फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो आपको कैसी लग रही है, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलूंगी। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।